सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन जाता है वजीटा पर और अब वो क्यूटेला के पास आता है। क्यूटेला कहता है, अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? आज यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। वजीटा कहता है, मुझे पता है कि ये स्माइल तुम्हारी फेक है। क्यूटेला कहता है, नहीं ये स्माइल तो असली है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर देखना मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मुझे तो अंदर से ही खुशी हो रही है। वजीटा कहता है, ठीक है अब मेरी भी सुनो, मैं यहाँ पर जरूरी काम से आया हूँ। क्यूटेला कहता है, हा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ कौन से जरूरी काम से आए हो। वजीटा कहता है, ओह तो इसलिए तुम स्माइल कर रहे थे। क्यूटेला कहता है, हाँ सही पकड़े हैं। वजीटा कहता है, तुम्हें देखकर मुझे फ्रीजा की याद आती है। क्यूटेला कहता है, फ्रीजा कौन है? तुम्हारे यूनिवर्स का हीरो है क्या? वजीटा कहता है, नहीं वो हमारे यूनिवर्स के छठे हुए बदमाश में से एक है, फर्क बस इतना है कि वो छिपकली है और तुम चूहे। क्यूटेला अब अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, आज पहली बार तुम यहाँ आए हो, इसलिए मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। तभी वजीटा कहता है, आज मुझे तुमसे काम है, इसलिए मैं भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, ये मेरा वादा है। क्यूटेला को अब गुस्सा आने लगता है, मगर वो गुस्सा नहीं करता। वजीटा कहता है, तो तुम्हें इस सारी बात का पता है, तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं तुम्हारा वोट मांगने आया हूँ। क्यूटेला कहता है, ओह तुम्हें मुझसे वोट चाहिए? वजीटा कहता है, हाँ क्यूटेला। क्यूटेला कहता है, ठीक है मिल जाएगा तुम्हें वोट। वजीटा स्माइल करते हुए कहता है, शुक्रिया। क्यूटेला कहता है, ना 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 शुक्रिया नहीं, तुम्हें ये वोट मैं ऐसे नहीं दे रहा हूँ। वजीटा कहता है, तो कहो तुम्हें क्या चाहिए? क्यूटेला कहता है, अरे भाई यहाँ पर मेरे पास सब कुछ है, तुम्हें तो बस मेरा एक छोटा सा काम करना है। वजीटा कहता है, ठीक है बोलो क्या काम करना है मुझे। विच कहता है, लॉर्ड वजीटा एक मिनट, आप ऐसे कैसे कुछ भी करने के लिए रेडी हो? वजीटा कहता है, विश शांत रहो और तुम कहो क्यूटेला क्या करना होगा मुझे। क्यूटेला कहता है, अगर तुम्हें मेरा वोट चाहिए तो तुम्हें यहाँ आकर मेरे पाँव दबाने होंगे। तभी वजीटा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है, क्यूटेला तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्यूटेला कहता है, क्या हुआ सौदा मंजूर नहीं है क्या? वजीटा कहता है, आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। तभी बीच में बोलता है, लॉर्ड वजीटा शांत रहिए। वजीटा कहता है, विश आज ये मेरे हाथों से मरेगा। विश कहता है, अपने आप को संभालिए लॉर्ड वजीटा, यहाँ पर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं। वजीटा क्यूटेला से कहता है, क्यूटेला अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर ये वोट मुझे नहीं मिला तो टांग काट के ले जाऊंगा तुम्हारी। अब विश और वजीटा वहाँ से चले जाते हैं। क्यूटेला कहता है, अरे ये वजीटा तो पागल लगता है, कहीं ये सच में मेरी टांग काट के ना ले जाए। अरे कोई यहाँ है? मेरे लिए एक टांग लेकर आओ, मेरा मतलब कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब सीन जाता है विश पर और वो सीरियस होकर कहता है, लॉर्ड वजीटा ये आप क्या कर रहे हो? अरे आप नंबर वन डिस्ट्रॉयर ऐसे बनोगे, ऐसे लड़ते पिटते वोट मांगोगे, ऐसे कोई वोट देगा आपको? वजीटा कहता है, तो और मैं क्या करूं? तभी बीरस आता है और बोलता है, वजीटा हमसे आइडिया लेकर कोई फायदा नहीं होगा, ये तुम्हें देखना है कि तुम किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करते हो। वजीटा कहता है, मुझे तो एक ही तरीका आता है, मैं जाता हूँ और सबकी धुलाई करके आता हूँ और एक एक से अंगूठा लगवा लेता हूँ। बीरस कहता है, तुम जान दिमाग से नहीं सोच रहे हो, इसलिए थोड़ा सोचो और मैं चैंपा से बात कर लूँगा, और कुछ डिस्ट्रॉयर मेरे पुराने दोस्त भी हैं, वो भी तुम्हारी मदद कर देंगे। अब सीन जाता है जीरेन पर और वो टोपो से मिलता है। टोपो बोलता है, क्या बात है जीरेन? जीरेन तुम यहाँ? जीरेन कहता है, हाँ टोपो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। टोपो कहता है, कहो जीरेन। जीरेन कहता है, टोपो
तुम्हें नहीं लगता कि हमारी दोस्ती के बीच में ये डिस्ट्रॉयर की जॉब आ रही है? टोपो कहता है, ये क्या कह रहे हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिरेन कहता है, ऐसा ही है टोपो, पहले हम एक साथ बाहर जाया करते थे और एक साथ खाया करते थे, मगर अब तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। टोपो कहता है, नहीं ऐसा मत कहो यार, मैं आज भी तुम्हारा दोस्त हूँ। जिरेन कहता है, अच्छा तो फिर साबित करो। टोपो पूछता है, साबित कैसे करूं, बताओ मुझे क्या करना होगा। जिरेन कहता है, तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी। टोपो कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो जिरेन। जिरेन कहता है, हाँ टोपो, तुम्हें इस जॉब को छोड़ना होगा, तभी मैं मानूंगा कि हम दोस्त हैं। टोपो कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी कोई और डिस्ट्रॉयर बनने के लिए रेडी नहीं है। जिरेन कहता है एक जो इस ड्यूटी को आराम से कर लेगा। टोपो पूछता है, कौन है वो जिरेन। जिरेन बोलता है, वो है लॉर्ड बेलमोर। टोपो ये सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या लॉर्ड बेलमोर वो इस जॉब को करेंगे। जिरेन कहता है, हाँ टोपो, और फिर तुम इस ड्यूटी से आजाद हो जाओगे और तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही रहेगा। अब सीन जाता है वजीटा पर और बोलता है, लॉर्ड बीरस, आप मेरे लिए उन गॉड से बात करोगे, क्या ऐसा करना सही होगा। बीरस कहता है, सही तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा भी तो दिमाग नहीं चल रहा है। तुम्हें उन लोगों को अपना गुस्सा नहीं दिखाना, बल्कि तुम्हें उन्हें अपनी काबिलियत बतानी होगी। वजीटा कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब वजीटा वहां से चला जाता है। बीरस बोलता है, विश, इसका ध्यान रखना। विश कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है लॉर्ड बीरस, मैं उन्हें संभाल लूंगा। बीरस कहता है, अब जाओ उसके पास। अब विश वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है कि जगह चैंपा और सिट्रा और बेलमोट पर। बेलमोट कहता है, क्या बात है, तुम लोगों ने अचानक मुझे क्यों बुलाया। सिट्रा बोलता है, बेलमोट, लगता है कि तुम्हारा नंबर वन बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। बेलमोट पूछता है, हुआ क्या। चैंपा बोलता है, वो वजीटा हम लोगों के पास वोट मांगने आया था और उसने हम सभी को धमकी दी है कि अगर हम उसे वोट नहीं देंगे तो वो हमें खत्म कर देगा। बेलमोट कहता है, अरे ऐसे कैसे खत्म कर देगा। सिड्रा कहता है, भूल गए क्या, टूर्नामेंट में उसने हम सभी को खत्म कर दिया था। क्यूटेला कहता है, और मुझे तो उसने टांग काटने की धमकी दी है। सिड्रा कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। बेलमोट कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन तुम उससे डरो मत, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो मिलता है हेलस से। वजीटा कहता है, हेलस, कुछ ही दिनों में नंबर वन डिस्ट्रॉयर की वोटिंग होगी और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वोट दो, और अगर मैं नंबर वन बनता हूँ तो तुम सभी को एक सम्मान मिलता है रहेगा कि हम डिस्ट्रॉयर भी किसी से कम नहीं है। मेरे अंडर तुम सभी को हमेशा सही डायरेक्शन मिलती रहेगी। हेलस कहती है, ठीक है मैं तुम्हें वोट दूंगी। वजीटा अब स्माइल करता है। विश, तुम्हें क्या लगता है, हमें यूनिवर्स 11 पर जाना चाहिए। विश बोलता है, हाँ लॉर्ड वजीटा, इसलिए तो आपको हमने टोपो से मिलवाया था। वजीटा बोलता है, तो फिर ठीक है हम वहीं पर चलते हैं। अब सीन जाता है बेलमोट पार्क विटेला पर और वो जाते हैं ग्रैंड प्रिस्ट के पास। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या बात है, तुम तीनों यहाँ पर कैसे हो। बेलमोट कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, हमारी मदद करिए, हमारी मदद करिए ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वो क्या है। बेलमोट कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, वो वजीटा हम पर जोर जबरदस्ती करके हमसे वोट लेने की कोशिश कर रहा है और वो हमें मारने की भी धमकी दे रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्यूटेला कहता है, अब आप ही कुछ कर सकते हो ग्रैंड मिनिस्टर, या तो आप उसे बंदी बना लो या फिर उसे कंपटीशन से बाहर करवा दो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ अब यही काम रह गया ना मेरा, तुम डिस्ट्रॉयर्स की लड़ाइयों में मैं जाता रहूं। चैंपा कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जाओ और अपने एंजल से जाकर बात करो। बेलमोट कहता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, आपको ही हमारे साथ चलना होगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहता है,
तुम लोगों को समझ नहीं आता, जाओ भागो यहाँ से, मुझे और भी काम करना है, और यहाँ फिर मत आना। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो टोपो और जिरेन से मिलता है। वेजिटा कहता है, कैसे हो टोपो? टोपो बोलता है, मैं ठीक हूँ वेजिटा। वेजिटा कहता है, और जिरेन तुम कैसे हो? बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा। मैं भी अच्छा हूँ। कहो वेजिटा, यहाँ कैसे आना हुआ? वेजिटा कहता है, मैं यहाँ पर टोपो से बात करने आया हूँ। टोपो कहता है, कहो वेजिटा, क्या बात है? वेजिटा कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए टोपो। टोपो बोलता है, कहो वेजिटा, मैं रेडी हूँ। वेजिटा कहता है, नहीं कहीं पर लड़ाई नहीं है, मुझे बस तुम्हारा एक वोट चाहिए। टोपो कहता है, कैसा वोट वेजिटा? वेजिटा बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि नंबर वन डिस्ट्रॉयर के लिए वोटिंग की जा रही है? टोपो कहता है, नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता। वेजिटा कहता है, इसमें सभी डिस्ट्रॉयर मिलके किसी एक को नंबर वन डिस्ट्रॉयर बनाएंगे। टोपो बोलता है, ओ अच्छा। वेजिटा बोलता है, तो मुझे अब तुम्हारा वोट चाहिए। टोपो कहता है, माफ करना वेजिटा, मगर मैं तुम्हें वोट नहीं दे सकता हूँ। वेजिटा कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे वोट नहीं दोगे? भूल गए हमारी मीटिंग? टोपो बोलता है, अरे पहले मेरी बात तो सुन लो। वेजिटा कहता है, क्या सुनूं? तुमने गद्दारी करी है। टोपो कहता है, वेजिटा मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं डिस्ट्रॉयर नहीं हूँ। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुम डिस्ट्रॉयर नहीं हो, फिर कौन है? टोपो कहता है, अब लॉर्ड बेलमोड यहाँ के डिस्ट्रॉयर हैं। वेजिटा कहता है, क्या? मगर ये कैसे हो सकता है? टोपो बोलता है, वो मैंने उन्हें अपनी पोजीशन दे दी है। विच कहता है, लॉर्ड वेजिटा अब यहाँ रुक कर कोई फायदा नहीं है। टोपो बोलता है, वेजिटा क्या तुम हमारे साथ लंच करने चलोगे? वेजिटा कहता है, नहीं मैं नॉर्मल लोगों के साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकता हूँ, चलो विच। अब वेजिटा और विच चले जाते हैं। जिरेन स्माइल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं टोपो, उसे जाने दो। टोपो कहता है, कोई बात नहीं, मुझे बुरा भी नहीं लगा। अब सीन जाता है बेलमोड पर और वो गुस्से में बोलता है, देखा तुम लोगों ने, ये ग्रैंड ब्रिस्ट भी उस वेजिटा की ही साइड में है। ये लोग उस वेजिटा से डरते हैं क्योंकि उसके पास गोकू है, उसी गोकू की वजह से वो उस वेजिटा की सारी बात मानते हैं। चैंपा बोलता है, तो तुम उस गोकू के पास ही क्यों नहीं जाते? बेलमोड कहता है, क्या कहा तुमने? चैंपा कहता है, हाँ तुम क्यों नहीं जाते उस गोकू के पास? तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बेलमोड कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ। सीन जाता है वेजिटा पर, वो बोलता है, विश टोपो इतना बेवकूफ निकलेगा मैंने ये कभी सोचा नहीं था। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा ये ही तो बेलमोड की चाल है, वो खुद नंबर वन डिस्ट्रॉयर बनना चाहते हैं। वेजिटा कहता है, अच्छा तो वो जोकर फिर से गेम्स खेल रहा है, मैं उसकी नाक काट के चटनी बना दूंगा। विच कहता है, कोई फायदा नहीं है लॉर्ड वेजिटा, बेलमोड का तो आपको पता है वो सुधरने वालों में से नहीं है। वेजिटा कहता है, पता नहीं क्या सोचकर उसे डिस्ट्रॉयर बनाया गया है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो वेडोस से कहता है, वेडोस कहो मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? तभी वहाँ पर चैंपा क्विटेला बेलमोड आते हैं। बेलमोड बोलता है, तुम्हें यहाँ पर हमने बुलाया है गोकू। गोकू कहता है, बेलमोड चैंपा और क्विटेला आप सभी यहाँ? चैंपा कहता है, हाँ गोकू वेडोस को मैंने ही कहा था कि वो तुम्हें बुला कर लाए। गोकू कहता है, मुझे? मगर मुझे क्यों यहाँ बुलाया है? बेलमोड कहता है, गोकू तो मुझे बताओ, जब बहुत लोगों के बीच मुकाबला होता है तो वो बराबरी का होना चाहिए या नहीं? गोकू कहता है, हाँ होना तो चाहिए। बेलमोड कहता है, और वो मुकाबला रूल के हिसाब से भी होना चाहिए या नहीं? गोकू कहता है, हाँ होना चाहिए। बेलमोड कहता है, तो तुम अपने दोस्त को समझाते क्यों नहीं हो? गोकू कहता है, दोस्त? कौन सा दोस्त? बेलमोड कहता है, तुम्हारा दोस्त वेजिटा। गोकू कहता है, क्या कर दिया है वेजिटा ने? बेलमोड कहता है, तुम्हारा दोस्त वेजिटा हम सभी को धमकी दे रहा है कि हम उसे अगले नंबर वन डिस्ट्रॉयर की पोजीशन में वोट करें। गोकू कहता है, धमकी दे रहा है मगर क्यों? क्विटेला कहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो इस बारी वो जीतने वाला नहीं है। गोकू कहता है, ओ ये तो वो ठीक नहीं कर रहा है, मगर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब तो आप गॉड्स का मामला है ना।
बेलमोट कहता है, तुम अपने दोस्त को समझाओ गोकू। गोकू कहता है, मगर वो मेरी बात नहीं मानेगा। बेलमोट कहता है, इसका मतलब तुम हमारे साथ गलत होने दोगे? अगर यही चीज तुम्हारे लोगों के साथ होती तो क्या तुम उनकी मदद नहीं करते? गोकू कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। बेलमोट कहता है, तो तुम्हें हमारी भी मदद करनी होगी। गोकू कहता है, मैं वेजिटा से बात करके देखता हूँ कि क्या होता है। बेलमोट कहता है, अब हम लोग तुमसे मदद मांग रहे हैं तो तुम हमारे विश्वास को तोड़ना मत। अब गोकू वहाँ से चला जाता है। बेलमोट हंसता है, अब वेजिटा तो गया। अब सीन जाता है वेजिटा पर। वेजिटा कहता है, विश मुझे मिलाकर 5 गॉड्स तो हमारे साथ हैं। अब बेलमोट तो मुझे वोट देगा नहीं, बचे 6 गॉड्स, अब पता नहीं वो किसके साथ हैं। विच कहता है, वो और किसके साथ होंगे, आपको तो पता ही है कि सभी बेलमोट के साथ हैं। वेजिटा कहता है, वो बेलमोट पता नहीं कैसे सभी को अपने बातों में फंसा लेता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो जाता है किंग काई के पास। गोकू कहता है, किंग काई आपने मुझे कैसे याद किया? किंग काई कहता है, गोकू मुझे कुछ डाउट लग रहा है। गोकू पूछता है, कैसा डाउट किंग काई? किंग काई कहता है, अभी हाल ही में मैंने और सुप्रीम काई ने पास ही के इलाके में एक विच के एनर्जी सेंस की है। गोकू कहता है, अच्छा। किंग काई कहता है, हाँ उसकी एनर्जी तो ज्यादा सेंस नहीं हो रही, मगर मुझे ऐसा लग रहा है जैसा हम सोच रहे हैं वो विच उसका उल्टा है। गोकू कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। किंग काई कहता है, मेरा मतलब ये है कि उस बीच की दिखने में तो पावर कम है लेकिन वो कई गुना शक्तिशाली है। गोकू कहता है, ओ तो क्या वो दुश्मन है? किंग काई कहता है, नहीं अभी तक हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं पता चला, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम वहाँ जाओ। गोकू कहता है, अच्छा। किंग काई कहता है, वहाँ जाकर पता करो कि ये बीच है कौन, कहीं ये हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं है। गोकू कहता है, जी किंग काई मैं वहां जाऊंगा। अरे यार किंग काई ने तो मुझे मिशन पर भेज दिया, तो अब मैं वेजिटा को कैसे समझाऊंगा? एक काम करता हूँ, पहले वेजिटा के पास चला जाता हूँ, इसके बाद मैं मिशन पर जाता हूँ। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो बीरस से मिलता है। बीरस कहता है, क्या खबर है वेजिटा? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस 6 गॉड्स हमारे साथ नहीं है और 7वां वो बेलमोट है, मगर आप टेंशन मत लीजिए, मैं उन्हें मार मार कर अपनी साइड ही कर लूंगा। बीरस कहता है, नहीं उसकी जरूरत नहीं है। वेजिटा कहता है, तो फिर हम जीतेंगे कैसे? तभी वहां पर गोकू आता है और कहता है, वेजिटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वेजिटा कहता है, मुझे क्या पता तुम क्या सुनकर आए हो। गोकू कहता है, वेजिटा तुम ये क्या कर रहे हो? जगह जगह जाकर तुम सभी गॉड्स को धमकियां दे रहे हो। वेजिटा कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, तुम्हें ये सब किसने बताया था? गोकू कहता है, आए थे वो तुम्हारे 3 जोकर, बेलमोट, क्यूटेला, चैंपा। वेजिटा कहता है, अच्छा तो वो लोग तुम्हारे पास मेरी शिकायत लेकर आए थे, उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गोकू कहता है, रुक जाओ वेजिटा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक गॉड हो और तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। वेजिटा स्माइल करते हुए कहता है, हाँ तो तुम उनकी बातों में आ गए। लॉर्ड बीरस देखो तो इसे, मुझे तो लगा कि ये हमारी तरफदारी करने आया है, मगर ये तो उनका मसीहा बनकर आया है। गोकू सीरियस होके कहता है, वेजिटा मैं किसी का मसीहा बनकर आया नहीं हूँ, और तुम्हें जब कंपटीशन के रूल्स बता दिए गए हैं तो तुम क्यों उनके साथ ऐसा कर रहे हो? तुम्हें फेयर गेम खेलना चाहिए। वेजिटा कहता है, क्या करो, हम गॉड्स का मामला है ये, इसलिए बेहतर ये रहेगा कि तुम हमारे बीच में ना आओ। गोकू कहता है, वेजिटा तुम गलत बोल रहे हो, ये बस गॉड का मामला नहीं है, बात सही और गलत की है, और तुम्हें जीतना है तो अपनी काबिलियत से जीतो, इस तरह से लड़ पीट कर जीतना था तो इस कंपटीशन का क्या फायदा? बीरस कहता है, हे तुम दोनों यहाँ क्या लड़ने आए हो? वेजिटा कहता है, क्या करो, तुम्हें हम गॉड से दूर रहना चाहिए, जाओ जाकर शहर में टकलो और बूढ़ों के साथ खेलो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। गोकू कहता है, वेजिटा तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, तुम तो अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर जाते हो, तो क्या यही है तुम्हारी प्राइड? वेजिटा गुस्से में कहता है, क्या करोट
मेरी प्राइड कितनी मान है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैंने जो भी हासिल किया है वो अपने दम पर किया है। अपने लोगों को बचाने के लिए मैं इविल एंजल्स तक से भिड़ चुका हूँ और मैंने अपने दम पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मौत के घाट उतार दिया था। गोकू कहता है, अच्छा और फिर उसके बाद जो हुआ वो तो बोलो। क्या मैंने इविल एंजल से फाइट नहीं की? जिन 11 डिस्ट्रॉयर को तुमने मारा था क्या उन्हें मैं वापस नहीं लाया? और एक बात ध्यान में रख लो वजीटा, हम सेंस हैं। लोगों का दिल हम डर से नहीं बल्कि हमारी अच्छाई से जीतते हैं। मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आने वाला हूँ। अब गोकू वहाँ से चला जाता है। वजीटा कहता है, आह इसकी बातें पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में चुभती है। बीरस कहता है, क्योंकि वो सच बोल रहा है। वजीटा अब इस कॉम्पिटिशन को अपने हाल पर ही छोड़ दो, जो जीतेगा उसे जीतने दो। वजीटा कहता है, ठीक है लॉर्ड पीरस, आप जैसा कहोगे मैं मानूंगा। विच कहता है, लॉर्ड वजीटा को शांत करने वाला बस गोकू ही है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो एक घर के बाहर खड़ा नजर आता है। गोकू कहता है, ये घर थोड़ा पुराना टाइप का है, शायद ये वही घर होगा उस विच का, मुझे चेक करना होगा। गोकू अब बाहर से आवाज लगाता है और कहता है, हेलो कोई है घर में? मगर अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। गोकू फिर आवाज लगाता है, हेलो कोई सुन पा रहा है मुझे? लेकिन अब भी कोई अंदर से बाहर नहीं आता। गोकू कहता है, लगता है अंदर कोई है नहीं, लेकिन मुझे तो चेक करना ही होगा, चलो मैं ही अंदर जाकर देखता हूँ। अब गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और आता है डायरेक्ट घर के अंदर और अंदर उसे दिखाई देती है दादी, जो कि स्मोकिंग करने में बिजी है। गोकू कहता है, हेलो मैं बाहर से कब से आवाज लगा रहा हूँ? वो बूढ़ी औरत कहती है, ओह तो आवाज तुम लगा रहे थे, माफ करना मैं सुन नहीं पाई। वो क्या है ना, इस उम्र में कान ठीक से काम नहीं करते। गोकू कहता है, अच्छा। बूढ़ी औरत बोलती है, कहो तुम यहाँ किससे मिलने आए हो? अब गोकू मन में सोचता है, इन्हें बताना ठीक नहीं होगा। बूढ़ी औरत कहती है, क्या सोच रहे हो? गोकू कहता है, कुछ नहीं, मैं तो चेक कर रहा था कि घर पर कोई है भी या नहीं। बूढ़ी औरत कहती है, तुम क्या पुलिस वाले हो? गोकू कहता है, अरे नहीं दादी जी, मैं बस ये देखने आया था कि सब ठीक है या नहीं। बूढ़ी औरत कहती है, हाँ सब ठीक है, यहाँ पर भला क्या होगा? गोकू पूछता है, क्या आप यहाँ पर अकेले रहती हो? बूढ़ी औरत कहती है, हाँ। गोकू कहता है, आपको यहाँ पर किसी विच के बारे में पता है? अब वो बूढ़ी औरत हंसने लगती है। विच? और हमारे गांव में तुम्हें कौन बेवकूफ बना रहा है? गोकू कहता है, मतलब कि यहाँ कोई विच नहीं है? बूढ़ी औरत कहती है, नहीं। गोकू कहता है, ठीक है अपना ख्याल रखना, मैं अब चलता हूँ यहाँ से। अब गोकू वहां से चला जाता है। वो बूढ़ी औरत अब फिर से स्मोकिंग करने लगती है। अब सीन जाता है किंग गाय पर और वो कहता है, क्या सच में तुम्हें वहां कोई नहीं मिला? गोकू कहता है, आपकी बताई गई लोकेशन में तो मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया है, वहां पर तो बल्कि एक बूढ़ी औरत रहती है। किंग गाय कहता है, क्या बूढ़ी औरत? अजीब बात है, मुझे सुप्रीम गाय से बात करनी होगी कि माजरा क्या है। गोकू कहता है, ओके मेरे लिए कोई और काम हो तो जरूर बताना। किंग काई कहता है, तुम जा कहां रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत काम है। तभी वहाँ पर सुप्रीम काई आ जाते हैं। सुप्रीम काई कहता है, किंग काई कुछ पता चला? किंग काई कहता है, नहीं सुप्रीम काई, गोकू वहाँ पर गया था मगर उसे वहाँ पर एक बूढ़ी औरत नजर आई। सुप्रीम काई शॉक्ड होकर कहता है, क्या बूढ़ी औरत? गोकू, क्या वो औरत स्मोकिंग कर रही थी? गोकू कहता है, हाँ सुप्रीम काई, मगर आपको कैसे पता? सुप्रीम काई कहता है, गोकू क्योंकि वो बूढ़ी औरत ही वो विच है। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, सुप्रीम काई मगर मुझे तो वो नॉर्मल ही लगी। सुप्रीम काई कहता है, यही तो पता करना है कि वो अपनी पावर क्यों छुपा कर रख रही है। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो मिलता है क्यूटेला चैंपा और बेलमोर से। वजीटा कहता है, क्यूटेला और चैंपा मैं तुमसे बस ये बोलने आया हूँ कि तुम्हें जिसको वोट देना है तुम दे सकते हो और मेरी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं है। बेलमोट कहता है, क्या भाई मजा चकलिया क्या?
वजीटा गुस्से में कहता है, बेलमोर अपना मुंह बंद कर लो वरना बहुत मारूंगा, पहले बता दे रहा हूँ। और तुम दोनों, तुम्हें जिसको जिताना है उसे जिता लो, अगर एक बात ध्यान देना कि अगर कोई मुसीबत तुम लोगों पर आती है तो मेरे पास तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। क्यूटेला कहता है, हाँ हाँ हाँ, भला हम क्यों आएंगे तुम्हारे पास। बेलमोर कहता है, चलो यहाँ से, हमारा काम हो चुका है। अब सीन जाता है एक नए सेन की तरफ जिसका नाम जिकोर है, और वो कहता है, मेरी पावर से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, मेरी पावर से इतनी हो गई है कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक को हरा सकता हूँ। चलो एक बार आजमा भी लेता हूँ कि मेरी पावर कितनी असरदार है। रिमगाई बोलता है, गोकू वो जो बूढ़ी औरत थी पक्का वही विच है। गोकू कहता है, मुझे भी यही लग रहा था सुप्रीम गाय, क्योंकि वो दिखने में भी बहुत अजीब सी थी। सुप्रीम गाय कहता है, गोकू तुम्हें वापस से उसी लेडी के पास जाना होगा। गोकू कहता है, वो तो ठीक है मगर मैं उनके पास जाकर करूंगा क्या। सुप्रीम गाय कहता है, ये बात भी है, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। किंग गाय कहता है, गोकू तुम उसके पास उसका शुभचिंतक बनकर क्यों नहीं जाते। गोकू कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। किंग काई कहता है, उस लेडी ने कहा था ना वो अब बूढ़ी हो गई है, तो इस हिसाब से वो अब अपना काम खुद नहीं कर सकती है, तो तुम उसकी सेवा करने आए हो ऐसा कहना, और फिर तुम उस पर नजर भी रख सकते हो। गोकू कहता है, ओ वाओ आइडिया बुरा नहीं है किंग काई। सुप्रीम गाय कहता है, मगर उसे पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो खतरनाक हो सकती है। गोकू बोलता है, ओ सुप्रीम गाय आप ऐसे ही किसी पर बिना सबूत के शक नहीं कर सकते हो, हमें अभी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या पता वो बुरी ना हो। किंग गाय कहता है, गोकू हमारी हिस्ट्री में जितनी भी विच आई है वो सभी बुरी ही है। गोकू कहता है, मगर कुछ ऐसी भी तो है जो बुरी ना हो, जैसे कि ओल्ड काई को ही देख लो, उनके साथ जो विच फ्यूज हुई थी वो बुरी नहीं थी। सुप्रीम काई कहता है, तुम सही कह रहे हो, अब वो कैसी है ये तो वहीं जाकर तुम्हें पता चलेगा। गोकू कहता है, ठीक है तो फिर मैं वहां जाता हूँ, और आप ज्यादा टेंशन मत लिया करो, जब तक मैं हूँ मल्टीवर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ये तो बस एक यूनिवर्स है। किंग काई कहता है, बस बस तुम शायद भूल रहे हो, कई दुश्मन तुम्हें अपने जाल में फंसा चुके हैं, और फिर तुम्हारे दोस्त वजीटा ने तुम्हारी मदद करी थी। गोकू वजीटा को याद करते हुए कहता है, वजीटा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। अब सीन जाता है वजीटा पर, और वो बीरस से मिलता है। वजीटा बोलता है, लॉर्ड बीरस आपने जैसा कहा वैसा मैंने कर दिया। बीरस कहता है, गुड वजीटा, वेल डन, अब जाकर तुम एक अच्छे डिस्ट्रॉयर बने हो। विश कहता है, लॉर्ड वजीटा अगर आप ध्यान दो तो आप समझोगे कि लॉर्ड बीरस आपको यही सिखाना चाहते थे। वजीटा कहता है, क्या मतलब। विच कहता है, लॉर्ड वजीटा डिस्ट्रॉयर की दुनिया में जितना रोल गुस्सा ईगो का होता है उतना ही रोल दया महानता और डिसिप्लिन का भी होता है, और आज आपने वही दिखाया। वजीटा कहता है, इसका मतलब कि आप मुझे ये सब सिखाने के लिए कर रहे थे। बीरस कहता है, हाँ वजीटा अगर मैं भी तुम्हारी तरह शुरुआती हरकतें करता तो मैं पागल लगता, इसलिए मैंने शांति से काम लिया ताकि तुम अपने गुस्से को कंट्रोल में रख सको। तुम्हें कंपटीशन की हार जीत से कोई फर्क ना पड़े, बस तुम्हें अपना काम नजर आए। तुम्हारा गोल क्या है? डिस्ट्रक्शन। तुम्हें छोटी मोटी बातों से अपने आप को भटकने नहीं देना चाहिए। वजीटा कहता है, जी लॉर्ड बीरस मैं अब समझ गया हूँ। बीरस कहता है, तो अब इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाओ और जाकर अपने घर में रेस्ट करो। वजीटा कहता है, जी माय लॉर्ड। विश कहता है, लॉर्ड वजीटा ये तो मेरी लाइन्स है। वजीटा कहता है, मेरा मतलब जी लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, जाओ अब। वजीटा वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर, और वो दोबारा उसी बूढ़ी औरत से मिलता है। वो बोलती है, तुम फिर से यहाँ पर। गोकू कहता है, हा 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 हा, मैं बस ऐसे ही चलाया। तभी वो औरत गोकू को बोलती है, यहाँ आओ और साफ साफ बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। गोकू कहता है, नहीं नहीं मैं कोई आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस आपकी मदद करने आया हूँ।
वो औरत कहती है, अच्छा मगर मैंने तो तुमसे कोई मदद नहीं मांगी। गोकू कहता है, अरे दादी जी आप बूढ़ी हो गई हो, आप घर का काम कैसे करती होंगी, इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। वो औरत कहती है, मैं कोई तुम्हारी दादी नहीं हूँ, मेरा नाम जिनिबा है, तुम मुझे इसी नाम से बुलाना। गोकू कहता है, ठीक है। जिनिबा कहती है, अब चलो जाओ यहाँ से। गोकू कहता है, नहीं मैं यहाँ आपकी हेल्प करने आया हूँ। जिनिबा हंसती है और बोलती है, झूठ तो ठीक से बोल लिया करो, मुझे पता है कि तुम मेरे घर में बार बार क्यों आ रहे हो। गोकू कहता है, अरे मैं सच कह रहा हूँ। जिनिबा कहती है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर उस विच की तलाश कर रहे हो। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या मगर आपको ये सब कैसे पता चला। जिनिबा कहती है, क्योंकि वर्ल्ड की नंबर वन विच मैं हूँ। गोकू ये सुनकर दोबारा हैरान हो जाता है और मन में बोलता है, इसने तो ये एक्सेप्ट कर लिया है कि यही वो विच है, अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। विच जिनिबा बोलती है, क्या हुआ। गोकू कहता है, नहीं कुछ नहीं, मुझे बस ये बात जाननी है कि आप इस इलाके में क्या कर रही हो। विच बोलती है, मैं तो यहाँ बस रहने के लिए आई थी, एकदम अकेले में बिल्कुल शांत। गोकू कहता है, मतलब कि आपका यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है। विच बोलती है, नहीं। गोकू कहता है, आप तो वर्ल्ड की नंबर वन विच हो, तो आपकी पावर्स इतनी कम कैसे है, मुझे तो सेंस भी नहीं हो रही है। विच कहती है, कौन कहता है कि मेरे पास पावर कम है, मैं तो अपनी पावर को कम लेवल पर रखती हूँ ताकि कोई मेरे बारे में पता ना कर पाए। गोकू कहता है, मगर मैंने तो आपको आसानी से ढूंढ लिया। जिनिबा कहती है, हाँ मैं भी यही सोचकर हैरान हूँ कि तुम दो बारी यहाँ पर आ चुके हो, मुझे तुम्हारे पास स्पेशल पावर नजर आ रही है। अब सीन जाता है चिकोर पर और वो जाता है क्यूटेला के पास। क्यूटेला कहता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिकोर कहता है, हा, 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 मैं एक सैन हूँ और मेरा नाम जिकोर है। क्यूटेला कहता है, क्या कहा तुमने, तुम एक सैन हो, अभी के अभी मेरे प्लैनेट से चले जाओ। जिकोर कहता है, हा, 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 मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ। क्यूटेला कहता है, हा, 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 लगता है कि तुम अपनी मौत को देखना चाहते हो, ठीक है तो फिर। अब क्यूटेला जिकोर को हकाई करने की कोशिश करता है मगर जिकोर को कुछ भी नहीं होता है। क्यूटेला ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। जिकोर हंस के कहता है, मैंने सुना है कि डिस्ट्रॉयर किसी को तभी हकाई कर सकते हैं जब वो उससे कमजोर हो। क्यूटेला जिकोर की बातें सुनकर डर जाता है और बोलता है, मैं तो इन सेंस से लड़ना ही नहीं चाहता, पता नहीं ये सेंस क्या कर बैठे। अब क्यूटेला वहाँ से गायब हो जाता है। जिकोर कहता है, क्या ये सच में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, ये तो भाग गया मगर जाएगा कहाँ। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो अकेले में सोचने लगता है। कैकरोट की बातें मुझे अब समझ में आ रही है कि वो क्या कहना चाहता था। मुझे अब सही तरीके से गॉड्स की ड्यूटी करनी होगी। अब सीन जाता है बेलमोट पर और वहाँ चैंपा भी होता है। बेलमोट कहता है, चैंपा ये क्यूटेला को आने में इतनी देरी कैसे हो गई। चैंपा कहता है, पता नहीं। तभी क्यूटेला वहां आता है और बोलता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। बेलमोट कहता है, क्या बचाओ बचाओ लगा रखा है, क्या हुआ। क्यूटेला कहता है, एक सेन मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। बेलमोट कहता है, क्या एक सेन, कहीं वो वजीटा तो नहीं है। क्यूटेला कहता है, नहीं वो कोई और है और वो हमसे पावरफुल भी है। बेलमोट ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तो मूर्ख यहाँ क्यों आ गए हो तुम। है, मेरे दोस्तों मुझे बचा लो। बेलमोट कहता है, अरे गधे चूहे तुम यहाँ से कहीं और भागो वरना वो यहाँ भी आ जाएगा और मैं अभी कोई मुसीबत नहीं चाहता हूँ। चैंपा कहता है, क्यूटेला तुम जाओ यहाँ से। बेलमोट कहता है, उसे क्या बोल रहे हो तुम भी भागो यहाँ से। चैंपा कहता है, क्या कहा तुमने, तुम फिर से अपनी गेम शुरू कर रहे हो। बेलमोट बोलता है,
अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम दोनों नाराज मत होना। और तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और हमें वहाँ पर जिकोर दिखाई देता है। जिकोर कहता है, क्या हुआ डिस्ट्रॉयर, मुझे मिस कर रहे थे क्या? क्विटेला और चैंपा अब जिकोर को देखकर डर जाते हैं। बेलमोट कहता है, तुम इससे इस तरह से डर रहे थे, ये तुम्हें मारने वाला है क्विटेला। जिकोर के फेस से अभी भी स्माइल नहीं जाती। जिकोर कहता है, ओ तो तुम हो यहाँ के बहादुर डिस्ट्रॉयर। बेलमोट कहता है, अबे ओए यहाँ से पतली गली से निकल ले वरना। तभी जिकोर बेलमोट के एक जोरदार पंच कर देता है जिससे अब बेलमोट भी जिकोर से डरने लगता है। बेलमोट कहता है, अरे यार ये तो काफी खतरनाक है, वरना कौन सीधा डिस्ट्रॉयर पर हमला करता है। जिकोर कहता है, तुम मुझे पतली गली से जाने के लिए कह रहे थे ना। बेलमोट कहता है, नहीं नहीं आप यहीं रुकिए, अरे आप तो इस क्विटेला को मारने आए थे ना, तो ये रहा आपका दुश्मन, आप इसे खत्म कर दीजिए। क्विटेला कहता है, बेलमोट मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बेलमोट कहता है, आप चाहो तो इस चैंपा को भी मार सकते हो, मैं तो गरीब हूँ कमजोर हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। चैंपा गुस्से में कहता है, ओह बेलमोट तुम बहुत ही कमीने हो। बेलमोट कहता है, चुप करो चैंपा। जिकोर बोलता है, तुम इसे अपना दोस्त मानते हो, ये तो तुम दोनों को धोखा दे रहा है। अब जिकोर बेलमोट से कहता है, मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया, तुम धोखेबाज हो, तुम कमजोर हो, तुम बुरे हो, तुम झूठे हो, इसलिए मुझे तुम अच्छे लगे, क्योंकि बुरे लोग मुझे अच्छे लगते हैं। बेलमोट बोलता है, अच्छा तो मुझे छोड़ दोगे ना। तभी चैंपा कहता है, चुप करो तुम वरना मैं तुम्हें। तभी जिकोर चैंपा पर एक धमाका कर देता है जिससे चैंपा सहम जाता है। जिकोर कहता है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम सभी अब मरने वाले हो, इसलिए अब अपने अच्छे बुरे काम को याद कर लो। तभी चैंपा कहता है, बेलमोट ओए बेलमोट। बेलमोट कहता है, हाँ बोलो। चैंपा कहता है, यहाँ इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसे हम नहीं हरा सकते हैं। क्विटेला कहता है, तो इसे कौन हरा सकता है? चैंपा कहता है, ये एक सेन है तो इसे भी सेन ही हरा सकता है। बेलमोट कहता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो चैंपा? चैंपा कहता है, हमें वजीटा से मदद लेनी होगी। बेलमोट कहता है, क्या तुम कहीं इसके मार से पागल तो नहीं हो गए हो? जिकोर कहता है, हो गई तुम्हारी बात, या अभी और बोलना चाहते हो? बेलमोट कहता है, हमें थोड़ा टाइम दो प्लीज। ओए ओए चैंपा, उस वजीटा के पास जाने की सोचना भी मत। चैंपा कहता है, तो तुम यहीं पर मरो, मैं तो जा रहा हूँ। बेलमोट कहता है, नहीं रुको चैंपा। मगर चैंपा वहाँ से चला जाता है। बेलमोट कहता है, भाग गया, तुमने देखा वो भाग गया। जिकोर कहता है, हाँ मैंने देखा, मगर फिक्र मत करो मैं उसे ढूंढ लूंगा। तभी क्विटेला कहता है, बेलमोट तुम यहीं रुको मैं अभी आता हूँ। बेलमोट बोलता है, अरे देखो ये भाग रहा है, इसे पकड़ो। अब क्विटेला भी वहाँ से चला जाता है। जिकोर कहता है, अरे तुम अपनी फिक्र मनाओ, उनकी छोड़ो, मेरे डेयरिंग डिस्ट्रॉयर। अब बेलमोट कहता है, अरे यार सब छोड़कर चले गए, अरे भाई साहब क्या तुम मुझे सच में नहीं छोड़ोगे? जिकोर कहता है, नहीं मैं सभी डिस्ट्रॉयर को खत्म करने निकला हूँ। बेलमोट कहता है, अच्छा तो मुझे भी एक सेकंड चाहिए। जिकोर कहता है, हाँ क्यों नहीं। अब बेलमोट भी वहाँ से भाग जाता है। जिकोर कहता है, कहाँ तक भागोगे डिस्ट्रॉयर। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, दादी जी मैंने यहाँ का सारा काम कर दिया है, अब आप रेस्ट कर सकती हो। विच कहती है, तुमने मुझे फिर से दादी कहा। गोकू कहता है, मेरा मतलब जिनीबा। विच कहती है, जाओ अब यहाँ से। गोकू अब शौक होकर कहता है, क्या इतना काम करने के बाद आप सीधा बोल रहे हो कि अब मैं जाऊं? जिनीबा कहती है, तो अब तुम यहाँ क्या करोगे?
गोकू कहता है, मैं कह रहा था कि आप दुनिया की नंबर वन विच हो, है ना? तो अगर मुझे आपसे कुछ सीखने को मिल जाता तो कितना बढ़िया होता। जिनीबा कहती है, मैं तो बस एक जादूगरनी हूँ, भला मैं तुम्हें क्या सिखा सकती हूँ? गोकू कहता है, कुछ भी या कुछ नया जो कभी किसी ने नहीं सीखा। जिनीबा बोलती है, ओह तो ऐसे बोलो ना, मुझे लगा कि तुम फाइटिंग स्टाइल सीखने की बात कर रहे हो। गोकू कहता है, अरे नहीं, फाइटिंग स्टाइल तो मेरे पास है, आप बस एकदम अलग सिखाओ। जिनीबा कहती है, ठीक है तो फिर तुम कल आ जाना। गोकू पूछता है, क्या कल? मुझे लगा अभी सीखने को मिलेगा। जिनीबा कहती है, नहीं तुम्हें कल ही आना होगा। गोकू कहता है, तो मैं यहीं रुककर वेट कर लेता हूँ। जिनीबा बोलती है, नहीं अगर तुम अभी से नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाने वाली। गोकू कहता है, अरे नहीं मैं जाता हूँ और कल आ जाऊंगा, ठीक है? जिनीबा कहती है, वेरी गुड। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो पूछता है, कल नंबर वन डिस्ट्रॉयर की वोटिंग होगी, वहां मैं नहीं जीतने वाला, ये तो पक्का है। तभी वहां आ जाते हैं चंपा, क्विटेला और बेलमोट। वजीटा उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तुम तीनों यहाँ पर कैसे? चंपा बोलता है, वजीटा हमें बचा लो। वजीटा बोलता है, क्या बचा लो? मगर किससे चंपा? क्विटेला कहता है, एक सैन हमें मारने के लिए ढूंढ रहा है और वो हमें ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, वो तो अच्छा हुआ हम बचकर यहाँ आ गए। वजीटा कहता है, तो मुझसे क्या लेने आए हो? बेलमोट बोलता है, वजीटा तुम्हें हमें बचाना होगा। वजीटा बोलता है, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हारी मदद करूं? चंपा कहता है, अरे ऐसा मत कहो यार वजीटा, हम तो पड़ोसी हैं। वजीटा कहता है, नहीं तुम तीनों अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। क्विटेला हंसते हुए कहता है, वजीटा मेरे दोस्त ऐसा मत करो यार, हमें यहीं पर रुकने दो। तभी वहाँ आ जाता है जीको और वो कहता है, मैं आ गया हूँ यहाँ। बेलमोट कहता है, वजीटा यही है जो हमें मारने आया है। वजीटा बोलता है, तो मैं क्या करूं, तुम लोग मरो या जियो मुझे कोई मतलब नहीं। जिकूर कहता है, मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया, मुझे वो लोग पसंद है जो दूसरों की मदद नहीं करते, मुझे बुरे लोग अच्छे लगते हैं। वजीटा कहता है, तुम्हें इनके साथ जो करना है करो, मैं बीच में नहीं आने वाला। अब वजीटा वहाँ से चला जाता है। चंपा कहता है, वजीटा रुक जाओ। जिकूर बोलता है, तुम्हारी आखिरी उम्मीद भी अब चली गई, तो अब रेडी हो जाओ मरने के लिए। क्विटेला कहता है, तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है, क्यों तुम हमें मारना चाहते हो? जिकूर कहता है, तुम लोग बहुत ही भुलक्कड़ हो, कोई बात नहीं अब रेडी रहो। अब जिकूर अपनी एनर्जी मारने के लिए रेडी हो जाता है। जिकूर कहता है, तुम जिससे मदद की उम्मीद करके यहाँ आए थे वो तो यहाँ है ही नहीं, तो चलो डेथ गेम को शुरू करते हैं। चंपा कहता है, क्या हम अब नहीं बचने वाले बेलमोट? बेलमोट कहता है, लगता तो यही है। तभी जिकूर अपनी एनर्जी रेडी करता है। क्विटेला कहता है, दोस्तों अगर मैं मर गया तो मुझे सुपर ड्रैगन बॉल से वापस जिंदा कर लोगे ना? बेलमोट कहता है, उसके लिए सुपर ड्रैगन बॉल को यूज करने वाला भी तो जिंदा बचना चाहिए। तभी जिकोर उन पर अपनी एनर्जी मार देता है, मगर तभी उसी वक्त जिकोर की एनर्जी की डायरेक्शन बदल जाती है। जिकोर कहता है, हाँ ये कैसे हुआ? बेलमोट कहता है, क्या हम जिंदा हैं? जिकोर कहता है, ये किसने किया? अब हमें दिखाई देता है वजीटा। वजीटा कहता है, ये सब मैंने किया। चंपा बोलता है, वजीटा तुम आ गए। क्विटेला कहता है, अब तुम्हारी बैंड बजने वाली है। जिकूर कहता है, तो ये तुम्हारी मदद के लिए आया है। वजीटा कहता है, बस बहुत हुआ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। जिकूर कहता है, इन तीनों को मारे बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। वजीटा कहता है, नहीं तुम अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों अब मेरी शरण में है, इसलिए अब इन पर होने वाले हमले मुझ पर से गुजरेंगे। जिकूर कहता है, अच्छा तो ठीक है, वैसे तुम हो कौन?
चैंपा कहता है, यह है यहाँ का प्रिंस ऑफ द ओल्ड सेन वजीटा, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। जिकुर कहता है, अच्छा तो तुम भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, वेरी वेल, अब तुम जाओगे हेल में। वजीटा कहता है, हेल में जाओगे तुम, क्योंकि वो जगह तुम पर ज्यादा सूट करती है। तभी जिकुर वजीटा पर एक पंच कर देता है, लेकिन वजीटा उसी वक्त उसे ब्लॉक कर देता है। तभी वजीटा जिकुर को एक पंच कर देता है। जिकुर कहता है, ओह काफी पावरफुल पंच है, मुझे तुम पर गर्व है, हमारी सेंस रेस में तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गए। वजीटा कहता है, अभी तो तुमने बाकी के सेंस नहीं देखे। तभी वजीटा जिकुर पर बहुत सारी एनर्जी ब्लास्ट कर देता है। जिकुर कहता है, तुमसे लड़ने में बहुत मजा आ रहा है। तभी जिकुर वजीटा के जोरदार पंच कर देता है, जिससे वजीटा दूर हो जाता है। अब दोनों ही एक दूसरे के पंच करते रहते हैं, जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है। क्यूटेला कहता है, तुम्हें नहीं लगता हमें वजीटा की हेल्प करनी चाहिए? बेलमोंट कहता है, हाँ चलो। चैंपा कहता है, अरे ओ नालायको, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि उसे अपनी लड़ाई अकेले लड़ना पसंद है, इसलिए बीच में मत जाओ वरना पिट जाओगे। अब हमें दिखाई देता है कि वजीटा और जिकुर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर हमला करते हैं और बहुत ही तेजी से लड़ने लगते हैं। जिकुर कहता है, आह तुम नॉर्मल फॉर्म में भी इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या मैं नया सेन लगता हूँ जो अभी सेंस क्लास से बाहर आया है? मैं यहाँ का गॉड हूँ और मैंने वर्षों ट्रेनिंग करी है। जिकुर कहता है, वेल डन, लेकिन तुम्हें मैं ट्रांसफॉर्म होने पर मजबूर कर दूंगा। तभी जिकुर वजीटा पर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिससे वजीटा को बहुत ही डैमेज पहुंचता है। वजीटा कहता है, अच्छी टेक्निक थी, अब इसे संभालो। तभी वजीटा जिकुर पर फाइनल फ्लैश मार देता है, मगर जिकुर उसे आराम से डिफेंड कर लेता है। जिकुर कहता है, छोटे मोटे हमलों से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। वजीटा कहता है, तो फिर ठीक है, अब देखो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन। तभी वजीटा अपनी ब्लू फॉर्म में आ जाता है। जिकुर कहता है, वेरी गुड, काफी अच्छी लग रही है ये ट्रांसफॉर्मेशन, चलो अब लड़कर देखते हैं। तभी दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। दोनों की लड़ाई देखकर चैंपा घबराने लगता है। चैंपा कहता है, अगर ये इस तरह से लड़ेंगे तो यहाँ के लोग मारे जाएंगे, चलो हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। जिकुर और वजीटा की अब और फास्ट फाइट होने लगती है, मगर वजीटा के अटैक से जिकुर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीटा कहता है, मेरे हमले से इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, आखिर ये है कौन? तभी जिकुर वजीटा पर एनर्जी बॉल मारता है, मगर वजीटा उससे बचकर जिकुर पर बहुत सारे की ब्लास्ट कर देता है। लेकिन हमें दिखाई देता है कि जिकुर अभी तक वैसे के वैसा खड़ा है। जिकुर कहता है, कोई और मूव ट्राई करना चाहोगे डिस्ट्रॉयर? वजीटा कहता है, ये आखिर क्यों मुझे ट्रांसफॉर्म होने की हिंट दे रहा है, आखिर ये करना क्या चाहता है? जिकुर कहता है, क्या तुम बस इतनी ही ताकत दिखा सकते हो? वजीटा कहता है, पहले तुम ये बताओ कि तुम हो कौन? जिकुर कहता है, ये पूछने वाले तुम कौन हो? तभी जिकुर एक एनर्जी वजीटा पर मार कर उसे जख्मी कर देता है। जिकुर कहता है, तुम तो बहुत ही कमजोर निकले और खुद को सेंस के प्रिंस कहते हो। वजीटा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। तभी वजीटा जिकुर पर नॉन स्टॉप लात मुक्के चलाने लगता है, वो भी बहुत ही तेजी से, जिससे अब जिकुर भी जख्मी हो जाता है। जिकुर जख्मी हालत में कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वजीटा एक एनर्जी ब्लास्ट जिकुर पर कर देता है, जिससे अब जिकुर और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिकुर कहता है, ये कैसे हो सकता है, लगता है कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। वजीटा बोलता है, आगे से यहाँ आने से पहले हजार बारी सोच लेना। जिकुर कहता है, आऊंगा जरूर जरूर आऊंगा, और उस दिन मैं तुम्हारा हिसाब किताब करके जाऊंगा डिस्ट्रॉयर। वजीटा बोलता है, हाँ पहले अपनी हालत ठीक करके आओ, फिर आकर बात करना। अब जिकुर वहाँ से चला जाता है। वजीटा कहता है, पता नहीं कि ये करने क्या आया था,
और इसकी डिस्ट्रॉयर के साथ क्या दुश्मनी है। तभी वहाँ क्यूटेला, चैंपा और बेलमोर आ जाते हैं। चैंपा कहता है, अरे भाई वजीटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज तुमने हमारी जान बचाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। वजीटा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यूटेला कहता है, वजीटा तुमने तो उसकी जो धुलाई की है वो देखकर मजा आ गया सच में। वजीटा कहता है, बस बस अब ज्यादा तारीफ मत करो। बेलमोट कहता है, वजीटा तुम तारीफ के काबिल हो, इसलिए तुम्हारी तारीफ हो रही है। तुम काफी पावरफुल डिस्ट्रॉयर हो। वजीटा बोलता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आज बेलमोट ऐसी बातें कर रहा है। चैंपा कहता है, लगता है इस पर सेंस की मार का असर पड़ गया है। बेलमोट कहता है, चुप करो चैंपा। वजीटा कहता है, चलो अब तुम तीनों सेफ हो। चैंपा कहता है, शुक्रिया वजीटा। वजीटा कहता है, बस अब जाओ अपने वर्ल्ड। अब सीन जाता है गोकू पर और वो सुप्रीम काई के पास आ चुका है। सुप्रीम काई कहता है, गोकू कुछ पता करके आए हो। गोकू कहता है, सुप्रीम काई मैंने कहा था ना कि सभी विच बुरी नहीं होती हैं, वो भी बुरी नहीं है। सुप्रीम काई कहता है, अच्छा क्या तुम सच कह रहे हो। गोकू कहता है, हाँ और वो तो बस वहाँ पर रहने के लिए आई है, वो भी बहुत दूर से। किंग काई कहता है, तो फिर ठीक है गोकू। गोकू कहता है, आपको पता है कि वो लेडी मुझे कुछ सिखाने वाली है। सुप्रीम काई कहता है, इसका मतलब तुमने उसे भी अपना मास्टर बना लिया। गोकू कहता है, हाँ सुप्रीम काई। सो हेलो गाइज, कैसी लगी आपको स्टोरी? मजा आया हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना और कल फिर आना, कल इम्पोर्टेंट सीन आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।